हेलो, क्या बोलती ऑल इन वन की पब्लिक, कैसा लगा वीडियो? मिलेगा यार, अगर पसंद आया रहेगा तो कोई कमेंट वमेंट करके बताओ, तो आगे वीडियो डालने के अंदर मजा आए करके। पर वो मेले से इतना थक गया करके। तो अभी आज का टॉपिक एक ऐसा है, मतलब आज ट्रैवलिंग नहीं है, फूड के ऊपर नहीं है, आज का टॉपिक ऐसा है क्या, मतलब ट्रू लाइफ के ऊपर है, ट्रू लाइफ फैक्ट्स। मतलब ये हर इंसान को कभी ना कभी आते ही है, तो वो चीज़ का नाम है फ्रस्ट्रेशन। तो आज फ्रस्ट्रेशन को 3 वेज उसका मैं आपको बताऊंगा क्या उसको रिलीज कैसा करने का करके, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी ना कभी मतलब होगा ही, क्या कोई भी चीज़ की वजह से, किधर मतलब बाहर हो या घर में हो, किधर जॉब पे हो, वर्क पे हो, किधर भी हो, और फ्रस्ट्रेशन कभी ना कभी होता ही है। तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से इंसान कैसा कोई भी स्टेप उठा लेता है, तो उसको रिलीज करने का मैं आपको 3 वेज बताने वाला हूँ आज। तो चलिए देखते हैं क्या है 3 वेज करके, ठीक। तो फर्स्ट वे है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मेडिटेशन से आप अपने मन पे, अपने दिमाग पे काबू कर सकते हैं। मतलब कोई आपको मतलब कोई चिड़चिड़ापन हो रहा है या कोई चीज मतलब आपको मतलब गुस्सा आ गया कभी, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से आपका फ्रस्ट्रेशन भी निकल सकता है। अगर आप किधर वर्क पे, तो आप उधर मेडिटेशन नहीं कर सकते, या किधर बाहर रहेंगे, अगर आपका मतलब कुछ सिचुएशन में अगर आपको तकलीफ आ गई, तो आपका मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो वो टाइम पे आप मतलब एक लंबी सी एक ब्रीथ भी ले ली है ना आपने, एक अच्छी अच्छी वाली एक सांस ले ली है, तो आपको कैसा मेडिटेशन से आपका मतलब स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। तो अगर आप जब तक आप काम नहीं होते तब तक आप मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अभी आप उन देखते हैं दूसरा। तो सेकंड टाइप है स्पेंड टाइम विद द सपोर्टिव पीपल। मतलब आपका जो भी कोई सपोर्टर्स रहेगा या आप जिसके साथ भी आप ज़्यादा क्लोज रहेंगे, तो आप उससे जाके आप बात अपनी शेयर कर सकते हैं, या फिर आपका कोई ग्रुप रहेगा तो आप जाके घूमने, आप सब ग्रुप एक प्लान करके आप किधर घूमने जा सकते हैं, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उसमें, या फिर आपका कोई भी क्लोज वन रहेगा तो उसको आप जाके बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो प्रॉब्लम का के सिचुएशन का कुछ मतलब एक रास्ता निकालेंगे। तो ये चीज़ अगर हो सकती है तो ये चीज़ भी एक बहुत बेटर चीज़ है क्या फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, कि आप दूसरों अपने आप जितना आप क्लोज है जिससे भी सामने वाले से, तो आप उनसे जाके आप शेयर करने से मतलब मन हल्का हो जाता है, तो आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा करके। तो ये सेकंड चीज़ थी। अभी आप थर्ड में है राइट इट डाउन। राइट इट डाउन का मीनिंग है कि आप मतलब कोई भी आपका जो सिचुएशन रहेगा या सामने वाले के साथ जो भी आपका कन्वर्सेशन रहेगा, अगर आप उसके ऊपर कोई मतलब एक्शन नहीं ले पाए, तो आप अपने इस पे या एक डायरी या एक पेपर या आपके पास जो भी कोई चीज़ रहेंगी, तो आप उसके ऊपर लिख सकते। आप इतना लिखो उसके बारे में लिखो, या जो भी कोई सिचुएशन रहेगा उसके ऊपर आप लिख के आप अपनी एक पूरी भड़ास निकाल सकते आपका जो भी रहेगा, या तो फिर नहीं हो रहा है तो आप लिख के फिर उसको फाड़ दो। अगर फिर भी आपका अगर मतलब मेडिटेशन या आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है अगर वो भी आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो ये थर्ड ऑप्शन है। आप किधर ट्रैवलिंग में रहेंगे तो मेडिटेशन या तो या फिर सेकंड वाला जो ऑप्शन है कि आपके बाजू में कोई आपका दोस्त नहीं है जो क्लोज वन, तो आप उसे शेयर नहीं कर पाए, तो आप ये थर्ड ऑप्शन चूज़ कर सकते। अगर फिर भी ये थर्ड ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर इसके थर्ड ऑप्शन में एक ऑप्शन है, एक ऑप्शनल और आपको रखता हूँ कि आप म्यूज़िक सुन सकते हैं करके, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका माइंड एक फ्रेश हो सकता है। तो आप म्यूज़िक आपको एक अलग दुनिया में लेके जाती है, तो आप सब कुछ उसमें से भूल सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मेडिटेशन और सेकेंड वाला जो आपका था कि आप किसी के साथ शेयर कर सकते, थर्ड वाला जो आपको अभी बताया मैंने राइट इट डाउन, और उसके ऑप्शन में फोर्थ वाला, ये 4 चीज़ें आप फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने के लिए यूज़ कर सकते। तो वही आपको ये वीडियो के अंदर बताने का था। तो चलो वीडियो का एंड करते, कल फिर मिलते इसी अच्छे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहो ऑल इन वन व्लॉग्स, और गाइज प्लीज़ यार सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके जाना, ठीक है, बाय।